सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई की और लगातार सुनवाई हो रही थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहुत सारी दलीलें रखी गई थी जिसमें ज्ञानवापी को लेकर वो लगातार विरोध कर रहे थे कि उसका सर्वे नहीं होना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब वहां पर सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद है आज से ही या जल्द वहां पर सर्वे शुरू हो जाएगा। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। मंत्री जी, जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर लगातार हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था, दोनों पक्षों ने दलील रखी, आज मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हो चुकी है। हालांकि पहले ही जिला कोर्ट कह चुकी है सर्वे होना चाहिए। देखिए, जैसा पूरा देश जान रहा था और आप हम सब जान रहे थे कि बाद में जिला न्यायालय के द्वारा सर्वे की अनुमति जब दी गई तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद, प्रामाणिक तथ्य और सबूतों को देखने के बाद ही सर्वे कराने की अनुमति देने का काम किया गया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहते हुए कि हमें उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का मौका नहीं मिला, उससे पहले सर्वे का काम शुरू हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय से कि ठीक है भाई, जिला कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका एक मौका ने अवसर दे दिया जाए कि ये माननीय उच्च न्यायालय में अपनी तथ्य और प्रमाण रख लें ताकि वहाँ भी इस निर्णय के विरुद्ध तथ्यों के आधार पर सुनवाई हो जाए। अब बिल्कुल ASI के सर्वे में साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी में जो तथ्य प्रामाणिक आधार है उस पर क्या था। कानून का पालन अच्छे से कराया जाएगा, किसी को भी कानून तोड़ने का हक नहीं है और कानून को जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई उत्तर प्रदेश में करने का काम हम करेंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है जिसमें अखिलेश यादव हो, चाहे BSP सुप्रीम हो, मायावती हो या कांग्रेस हो, कि 2024 से पहले इस तरीके की चीजें हो रही हैं जिससे कहीं ना कहीं 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनको? हमारी नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने आज विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात हो, तीसरी बनती हुई देश की विश्व की अर्थव्यवस्था हो, चाहे हमारा उभरता हुआ भारत का कद हो, चाहे विश्व में एक धमक बढ़ने की बात हो या हम विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ने की बात हो, आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता पूरी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है उनके साथ। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था का पालन कराएगी, जो कोर्ट का निर्देश है उसका पालन कराया जाएगा। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार जो कोर्ट निर्देश दे रहा है, संवैधानिक व्यवस्था है, कोर्ट के निर्णयों के आधार पर ही सरकार काम कर रही। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं, देश बड़ा है और लगातार इस तरीके के कानून और चीजें आती रहती हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं SK वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया।